Hello guys, hi, welcome to Roy Digital. Welcome back again with another part of keyword research. Guys, ये है हमारा part 2, जिसमें part 1 अगर आपने नहीं देखा है keyword research का, बहुत important है, miss कर दोगे. तो guys, इस I button पे मैं part 1 दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी उसे देखो और उसके बाद part 2 में आओ. आपको चीजें इतनी ज़्यादा clear हो जाएंगी कि आपको पूरा keyword research आ जाएगा. तो guys, पार्ट वन में मैंने आप लोगों को बेसिकली बताया था कि कीवर्ड रिसर्च होता क्या है और उसका पूरा एक गो थ्रू दिया था. आज मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, जिसमें आपको वो कीवर्ड मिल जाएंगे जिसका सर्च वॉल्यूम भी हाई रहेगा और कीवर्ड डिफिकल्टी भी लो होगी. आपको हर बार अपने आप से कोई नया कीवर्ड डाल डाल के एज्यूम नहीं करना होगा कि ये कीवर्ड देख लेते हैं, ये कीवर्ड देख लेते हैं. ऑटोमेटिक आपके सामने लिस्ट आ जाएगी जिसका सर्च वॉल्यूम हाई रहेगा और एसईओ डिफिकल्टी लो रहेगी. गाइस, अगर आपको इन दो वर्ड और इनके टर्म्स इनके बारे में नहीं पता है, तो वो मेरा पार्ट वन वाला वीडियो जो मैंने आई बटन पे दिया था उसको जाके चेक करो. क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता सर्च वॉल्यूम क्या होता है, डिफिकल्टी क्या होती है, तो आज मैं इस सेशन में उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं. और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो मेक श्योर आप देख लेना. तो गाइस, अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिसमें ये चीज आपको ऑटोमेटिक मिलने वाली है और फिर उसके बाद सिर्फ आपको काम करना है कंटेंट पे और बैकलिंक्स पे. तो गाइस, अब चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और कंप्यूटर स्क्रीन में जाके मैं आपको वो प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ कि कैसे आप इन्हें ऑटोमेटिक सर्च कर सकते हो और फिर उस पर आपको सिर्फ काम करना स्टार्ट करना है. गाइस, सेशन छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्किप करने का तो मतलब ही नहीं बनता. तो आइए चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ. तो गाइस, मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख पा रहे हो एज यूजुअल मैं कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज कर रहा हूं Ubersuggest. गाइस, Ubersuggest के बारे में मैं थोड़ा सा पहले बता दूं, ये एक नील पटेल की साइट है जो कि नील पटेल ने हाल ही में एक्वायर किया है. बट अगर मैं इसके क्रेडिबिलिटी की बात करूं, इसकी जो एक्यूरेसी की बात करूं, Ubersuggest आपको उतना एक्यूरेट डेटा नहीं दे पाएगा जितना कि पेड टूल्स देते हैं लाइक AHREF, SEM रश, ये जो पेड टूल्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड हैं, लाइक $240 पर मंथ के चार्जेस होते हैं. तो उस अकॉर्डिंग में अगर बात करूं तो वो बहुत एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि उनका जो डेटा होता है वो बहुत लेटेस्ट होता है, मतलब कुछ घंटों पहले का डेटा होता है. Ubersuggest में क्या होता है गाइस, ये पूरा मंथली डेटा उठाते हैं. मंथली का मतलब हुआ कि आज जो आप रिजल्ट देख रहे हो जरूरी नहीं है कि अभी का हो सकता है ये पिछले महीने का हो और अभी तक वो डेटा बहुत फ्लक्चुएट कर चुका है. बट जहां की $240 हर महीने देने की बात है, उतना डेफिनेटली कोई भी इंडिविजुअल बंदा नहीं देगा. हाँ, अगर आप एक एजेंसी रन कर रहे हो या बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो फिर ठीक है, बट इनिशियली आपको नहीं देना बनता है $250 तक फॉर दिस टूल्स लाइक AHREF एंड SEM रश. दे आर 95% एक्यूरेट, बट अभी हम Ubersuggest पे काम करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल फ्री टूल है. ओके, तो गाइस, अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिसमें ऑटोमेटिक ये चीजें आपकी सामने आ जाएंगी, जिसमें सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए मेरे कीवर्ड का और SEO डिफिकल्टी लो होना चाहिए. और गाइस, मान के चलो कि आज का मेरा जो कॉन्टेंट है जिसमें मैं आज ब्लॉग लिखने वाला हूँ, वो है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और इस पर मुझे एक कीवर्ड रिसर्च करना है. तो आइए चलिए इसका कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करते हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. गाइज, अब मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो कीवर्ड चाहिए जो कि मेरे लिए बहुत आसान हो काम करना और मैं उस पर काम करूंगा. तो गाइज, अब आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे वो कीवर्ड रिसर्च होता है. सबसे पहले ये आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो साइन इन आप बिल्कुल कर लेना क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जब तक आप साइन इन नहीं करोगे तब तक आपको ये ज्यादा डिटेल नहीं देगा, ये लिमिटेड डिटेल देकर आपको छोड़ देगा. हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन पे आपको ये डेटा इसने दे दिया है जिसमें 74,000 का सर्च वॉल्यूम है मंथली. वाओ, अमेजिंग हिट. और 54 की SEO डिफिकल्टी है जो कि बहुत ज़्यादा है. आई डोंट थिंक सो कि आपको इसको कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज ये जो कीवर्ड होगा ये बहुत टफ होगा रैंक करने में, क्योंकि SEO डिफिकल्टी 54 मतलब बहुत ज़्यादा है. और 90s की पेड डिफिकल्टी है. पेड डिफिकल्टी होता है जब हम गूगल AdWords पे ऐड रन करते हैं, ठीक है. अब गाइज, एक और चीज़, मैं जो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन लिखने वाला हूँ ना, ये कंटेंट पे मैं सिर्फ इंडियन ट्रैफिक को टारगेट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर इंडिया कर लेना है. आपको जिस कंट्री के लिए करना है, आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो वो आपके ऊपर है. Nobody is going to tell you कि आपको किस में करना है, बट आप इंडिपेंडेंट हो, यू कैन डिसाइड. डिपेंड करेगा कि आपको ट्रैफिक किस कंट्री का चाहिए. तो मुझे इंडिया का चाहिए, तो लेट्स गो एंड सर्च फॉर द इंडिया. अब इंडिया में स्टैट्स चेंज हो जाएंगे यहाँ पर. लाइक 74,000 था US के अंदर, बट इंडिया में आपको मिल रहा है सर्च वॉल्यूम 18,100. और SEO डिफिकल्टी भी यहाँ पर कम हो गई है, जो कि वहाँ पर 54 थी, यहाँ पर 37. तो गाइज, रीजन बीइंग, क्योंकि कंट्री चेंज होते ही सारे स्टैट्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हर कंट्री स्पेसिफिक ये स्टैट्स होते हैं. अब बात करता हूँ गाइज, 18,000 भी इज नॉट अ लेस फिगर अगर मैं सर्च वॉल्यूम की बात करूँ. अगर मैं बात करूँ कि पर डे का सर्च कितना होना चाहिए, तो गाइज पर डे आपको यहाँ पर 600 सर्चेस मिलेंगे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे. बट जहां की 30
37 is an SEO difficulty जो कि अभी भी high है, मैं definitely इस पे नहीं जाना चाहूँगा. 37 being a new site, अगर मैं एक नई site हूँ और मुझे rank करना है तो 37 is a very big amount, तो मुझे वो keyword चाहिए जिसमें 25 तक का maximum SEO difficulty हो. इससे ज़्यादा हो तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा rank. Why? Because मेरा site अभी नया है, कोई भी domain authority नहीं है, इस चक्कर में मुझे वो keyword चाहिए जिसका 25 से कम हो. हाँ, सर्च वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो, इतना मुझे करना है. सो गाइज, आइए मैं वो तरीका बता देता हूं. तो गाइज, अब आपको क्या करना है, जल्दी से यहां पर नीचे आना है और यहां पर आपको करना है व्यू ऑल कीवर्ड्स. जैसे आप व्यू ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे, नाउ अब आपको ये सारे कीवर्ड दे देगा, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, जिसपे 18,000 सर्चेज हैं और इसमें जो SEO डिफिकल्टी है वो 37 है और 37 यहां पर हाई है क्योंकि ये हाईलाइटेड बाय अदर कलर से दिखा रहा है. तो गाइज, यहां पर आप देख रहे हो कि जो ग्रीन होंगे तो समझ लेना कहीं ना कहीं वो ज्यादा ईजी है रैंक करने के लिए, और जो येलो दिख रहे हैं वो थोड़े से टफ हो गए रैंक करने के लिए. अब मैं आपको इसका रियल तरीका बताता हूं. तो गाइस, अब आप यहां पर वन बाय वन नहीं देखोगे, विच इज नॉट अ गुड आइडिया, उसमें आपको टाइम लग जाएगा और शायद आपसे गलती भी हो जाए. अब आपको क्या करना है गाइस, यहां पर करना है इस फिल्टर को ऑन. जैसे आप इस फिल्टर को ऑन करोगे, अब आपको यहां पर जहां कि आपने देखा है गाइस कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड में 18,000 तक के सर्च मंथली होते हैं, तो मैं एक आइडिया लगा लेता हूं, अगर मुझे 300 सर्च वॉल्यूम का भी कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसकी एसईओ डिफिकल्टी लो है तो आई एम हैप्पी. क्यों? क्योंकि 300 सर्च is also enough for one keyword. तो मैं minimum search volume लूंगा 100, maximum कुछ नहीं लेना है, maximum आप छोड़ देना, और बाकी paid difficulties हमें कोई मतलब नहीं है. अब हमें मतलब है guys SEO difficulty. Guys, हम SEO difficulty लेंगे 25 being a new site, क्योंकि 25 से ज्यादा अगर होगी तो मैं rank नहीं कर पाऊंगा. Reason being, क्योंकि 25 से ज्यादा अगर keyword की difficulty है तो problem ये है कि मेरी site का खुद की authority कम से कम 40 से above होनी चाहिए, तो जाके मैं जो डिफिकल्ट कीवर्ड है उन पे रैंक कर सकता हूँ. बट मेरे खुद के साइट की जो अथॉरिटी है वो खुद अभी 10 है या 15 है, तो मैं 25 से ज्यादा के डिफिकल्टी वाले कीवर्ड को रैंक नहीं करा पाऊंगा. अब आपको सिंपल करना है अप्लाई. जैसे आप अप्लाई करोगे गाइज, नाउ हियर इज द मैजिक, 13 वो कीवर्ड आपको मिल गए गाइज जिसके सर्च वॉल्यूम आपको 300 से ज्यादा मिलेंगे और SEO डिफिकल्टी 25 से कम. बू गाइज, ये था मेरा वो तरीका जिससे मैं एक ही बार में वो सारे कीवर्ड निकाल लूंगा अपने कंटेंट के लिए जिस कंटेंट पे सर्च वॉल्यूम मेरे लिए इनफ है और उसकी डिफिकल्टी भी कम है. कैसे? क्योंकि यहां पर इसने मुझे 13 कीवर्ड्स आउट ऑफ दैट मेनी कीवर्ड्स दे दिए हैं जिसके आप SEO डिफिकल्टी देख सकते हो 11. गाइज, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इंस्टाग्राम. अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मैं कंटेंट लिख सकता हूँ गाइज, अभी के अभी लिख दो, बिकॉज इसके ऊपर 2900 का सर्च वॉल्यूम है और कीवर्ड डिफिकल्टी जो कि SEO डिफिकल्टी है वो सिर्फ 11 है. गाइज, चांसेस आर वेरी हाई कि आप इस पर रैंक कर जाओगे. तो गाइज, अब मैं आपको डीप प्रोसेस थोड़ा सा एक स्टेप और बता देता हूँ. गाइज, अब आपको उसको क्लिक करना है. जैसे आप इस वाले एरो को क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो सारे रिजल्ट दिख जाएंगे जो कि रैंक कर रहे हैं इस कीवर्ड पे. नंबर 1 से लेके सिर्फ 10 तक देखना है क्योंकि मुझे फर्स्ट पेज पे ही आना है, मुझे सेकंड पेज पे जाना नहीं है, बिकॉज सेकंड पेज पे जाने का कोई तुक नहीं बनता, कोई उसमें वैल्यू नहीं है. तो गाइज, अब यहां पर आपको मेजरली दो कंपोनेंट्स देखने हैं, लिंक्स एंड डोमेन स्कोर. लिंक्स वो है जो कि इस पर्टिकुलर पेज को, जो ये पेज रैंक कर रहा है इस कीवर्ड पे, उस पेज में लिंक आ रहा है, बैक लिंक आ रहा है, दैट इज नोन एज लिंक्स. और ये जो साइट है, इस साइट का जो डोमेन की अथॉरिटी है कि ये कितने पावरफुल डोमेन है वो काउंट होता है आपके डोमेन स्कोर से. 100 इज द हाईएस्ट, मतलब जिसका 100 के पास है समझ लो वो डोमेन बहुत स्ट्रांग डोमेन है. तो 82 इज डेफिनेटली अ स्ट्रांग डोमेन. तो इसका मतलब गाइज, ये जो पेज है जो कि इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डोमेन स्कोर. रीजन, क्योंकि यहां पर सिर्फ 3 लिंक्स है, बैकलिंक. तो यानी बैकलिंक के दम पे ये बिल्कुल भी रैंक नहीं कर रहा है. अगर बैकलिंक के दम पे सिर्फ रैंक कर रहा होता तो गाइस 74 वाला टॉप पे होता, बट यहां पर तो 3 लिंक्स लेके ये टॉप पे है. इसका मतलब डोमेन स्कोर इसका नंबर 1 पे काम कर रहा है. तो गाइस सेम वे में नील पटेल का तो डोमेन स्कोर 91 है, फिर तो और बेटर है, तो ये क्यों नहीं रैंक कर रहा? और प्लस इसके लिंक भी ज्यादा है, इसके बैकलिंक भी ज्यादा है. यहां पर आइडिया क्लियर हो गया गाइज, हो सकता है कि इसके अंदर जो ब्लॉग का कंटेंट है वो नील पटेल के ब्लॉग के कंटेंट से ज्यादा स्ट्रांग माना जा रहा है एज पर गूगल, एज पर गूगल के बाकी एल्गोरिदम, जिसमें एवरेज सेशन ड्यूरेशन, जिसके अंदर बाउंस रेट, ये सारी चीजें. तो गाइज आप देख लेते जल्दी से, मैं इसको भी क्लिक करता हूं और मैं
नील पटेल वाले उस ब्लॉग को भी क्लिक करता हूँ जिसमें नील पटेल ने इंस्टाग्राम से कैसे अर्न किया जाए वो बताया गया है। तो गाइज आप देख लेते हैं, ये है नील पटेल का कंटेंट जो कि डेफिनेटली नील पटेल बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट डिजिटल मार्केटर, उनको रियल में एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी तरह से पता है कि कैसे किसी चीज़ को रैंक कराया जाता है, तो उन्होंने पूरी मेहनत की है। और ये रहा शॉपिफाई का वो वाला ब्लॉग जिसपे शॉपिफाई ने भी सेम चीज़ की होगी। गाइज अब बात आती है साइट ऑडिट की। अब हमें पता लगेगा कि कौन किस लिए रैंक कर रहा है By doing site audit, जो कि आज का पार्ट नहीं है। गाइज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, मैं साइट ऑडिट के ऊपर भी डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप किसी भी साइट को ऑडिट कर सकते हो, पर्टिकुलर पेज को ऑडिट कर सकते हो कि वो क्यों रैंक कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप SEO में फोकस करते हो या फिर आप SEO अपने साइट का करते हो, अपने क्लाइंट का करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो गाइज इस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको आज का ये पार्ट टू ऑन कीवर्ड रिसर्च डेफिनेटली हेल्पफुल लगा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है, राइट? तो गाइज आज के बाद आप कीवर्ड रिसर्च करे बिना कोई भी कंटेंट के ऊपर काम नहीं करोगे, बिकॉज रैंक करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हो तो 95% चांसेस आर देयर कि यू विल बी सक्सीडेड। ओके सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो और वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन गाइज हैव अ नाइस डे, बाय बाय।